नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए। 5वां राज्य जो मिजोरम है वो 4 दिसंबर को अपना जनादेश बताएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है अपने दम पर, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस के साथ ये हो रहा है। इन चुनावी राज्यों से लोकतंत्र के क्या नए सबक आए? महादेव ऐप से लेकर ईडी का छापा, शराब और कोयला घोटाले के इल्जामों से लेकर धान की खरीद फरोख्त को लेकर भाजपा और कांग्रेस के जवाबी दावे, इन पर बात करेंगे। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ संगठनों के पीढ़ी परिवर्तन पर बात करेंगे। लाडली बहना योजना के चमत्कारी असर के बारे में बात करेंगे। ब्रांड शिवराज के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे अशोक गहलोत कैसे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि उनका अपना घर डिवाइडेड था। बात इस पर भी करेंगे कि कैसे ये जीत भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं राज्यों में पिछली जीतों से इतर है। और सबसे इतर बात करेंगे तेलंगाना में कैसे रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पष्ट जीत हासिल की और कर्नाटका वाला करिश्मा दोहराया। बात इस पर भी होगी कि इस पूरे चुनाव पर कैसे नरेंद्र मोदी फैक्टर, जो 2013 से देश की राजनीति में हावी है, प्रभावी रहा। और बात इस पर भी कि अब इन नतीजों के बाद कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स पर किस तरह के असर पड़ेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। आपको जब ये हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की टैली भी बताएंगे, जो अब कमोबेश स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं नतीजे आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में क्या बोले। मैं आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है, ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की। क्या उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है? ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? नरेंद्र मोदी के बाद अब रुख करते हैं कांग्रेस खेमे का। तेलंगाना में जीत और बाकी 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आला कमान से जुड़े दूसरे लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई, सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से बेहद रस्मी किस्म की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसी अपेक्षित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में भी सभी लोगों का, सभी वोटर्स का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं तेलंगाना के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ और उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें वोट दिया। ये चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे हैं, परंतु हमें विश्वास है कि हम मेहनत एवं दृढ़ निश्चय से मजबूती से वापसी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस हार से हताश हुए बगैर इंडिया दलों के साथ दोगुने जोश से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना है। और कुछ ही समय बाद फिर राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आता है सामने। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और कहा कि विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी और कहा कि तेलंगाना के लोगों को बहुत धन्यवाद, प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम ज़रूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। आपने नेताओं की बातें सुनी, अब बारी बारी राज्यों का रुख करते हैं, जनादेश के निहितार्थ समझते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की, चुनाव के नतीजे बताएं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। राजस्थान में सरकार 5 साल वसुंधरा जी की रही, जनता में निराशा है, नाराजगी है और मैं मानता हूँ कि 5 साल से जो कुशासन दिया है लोग उससे छुटकारा चाहते हैं। उनका इंतजार खत्म हुआ और 7 दिसंबर को जब मतदान होगा तो
तो कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी एक दो दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो पर लौट कर आएंगे, नतीजे जानते हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, नतीजे 199 के आए। दरअसल श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ क्योंकि इस सीट के सिटिंग एमएलए और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का 15 नवंबर को निधन हो गया। तो नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग इस सीट पर मतदान स्थगित करने का ऐलान लाया। 199 पर स्थिति क्या, भाजपा 115 सीटें, कांग्रेस 69 सीटें, भारतीय आदिवासी पार्टी 3 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट और राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट। राष्ट्रीय लोकदल का कांग्रेस के साथ गठजोड़ था तो कांग्रेस की इफेक्टिवली 70 सीटें, 8 निर्दलीय के खाते में। अगर सूबे की दो प्रमुख पार्टियों की बात करें तो वोट प्रतिशत जान लेते हैं, उसके बाद विनर्स के नामों पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 41.7% से ज़्यादा, कांग्रेस 39.53% से ज़्यादा, यानी दोनों के बीच लगभग 2% का मार्जिन रहा है। बाकी में अन्य, ये तो हो गए ट्रेंड। अब उन नतीजों की बात करते हैं जिन्होंने सबको चौंकाया। इसमें पहला नाम है सीपी जोशी का, जो राजसमंद की नाथद्वारा सीट से चुनाव हार गए। महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर के राजपरिवार से आने वाले विश्वराज सिंह मेवाड़ के खिलाफ। सीपी जोशी कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इस बार स्पीकर रहे थे और इस जोरदार मुकाबले में थे। ये वही सीपी जोशी हैं जो 2008 में 1 वोट से चुनाव हार गए थे। ये कांग्रेस के खेमे से गिरा एक बड़ा विकेट है। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई बड़े मंत्री कांग्रेस के चुनाव हार गए। इससे इतर बीजेपी की बात करें तो सदन में बीजेपी के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तारानगर से और नेता उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया आमेर की सीट से चुनाव हार गए हैं। इन सबसे इतर अगर हम दूसरे कद्दावर नामों की बात करें तो मंत्रियों में रघु शर्मा, पूर्व मंत्री या डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह समेत कई नेता खेत रहे। निर्दलियों की बात करें तो डिंडवाना से यूनुस खान या फिर शिव से रविंदर सिंह भाटी या फिर चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आख्या, ये वो चर्चित नाम हैं जो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। और यूजुअल नामों की बात करें तो झालरा पाटन से वसुंधरा राजे, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, टोंक से सचिन पायलट, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, ये सब चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। किसी तरह खींवसर से हनुमान बेनीवाल भी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन नज़र आ रहा है। ये तो हारे जीते की बात हुई। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी फाइनल नतीजे अपडेट हो रहे हैं, जब हम आपको ये शो बना रहे हैं तब तक के ट्रेंड हमने आपको बताए, लेकिन अब ये लगभग स्थिर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है ये तय है, कांग्रेस विपक्ष में बैठ रही है ये भी तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर अपना इस्तीफा भी दे दिया है। दोनों ही पक्षों की प्रतिक्रिया सुनते हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका मंत्र था, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। तो ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर दो, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंडिंग थी तो नो ऑप्शन, इस प्रकार हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। अब बात करते हैं हार जीत के कारणों की, फैक्टर्स क्या रहे। हमने आपको शुरुआत में एक वीडियो दिखाया था, पर वीडियो से पहले एक ट्वीट का जिक्र करेंगे। राहुल गांधी का वो ट्वीट जो उन्होंने साल 2018 में किया था, एक फोटो थी, राहुल गांधी की एक तरफ थे अशोक गहलोत और दूसरी तरफ थे सचिन पायलट। उन्होंने लिखा था, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, वो अपनी पार्टी की कथित एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल के दावे का फैक्ट चेक आप सचिन पायलट के उस वीडियो से कर सकते हैं जो हमने आपको दिखाया कुछ मिनट पहले। दो सचिन पायलट नजर आते हैं, एक 2018 के जो वसुंधरा सरकार के सामने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष
चुनौती पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों ये सरकार अलोकप्रिय है, क्यों इसको बदल देना चाहिए। पर जो दूसरा वीडियो है वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का है। तब तक पायलट अध्यक्षी से भी हाथ धो चुके थे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी और गहलोत से गद्दार का तमगा भी पा चुके थे। आला कमान तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ दिखावती तौर पर ही इनको साथ कर पाया और ये कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह रही। टीका टिप्पणियां चलती रहीं, 5 साल तक घात प्रतिघात चलते रहे। इससे इतर बात करें तो कांग्रेस की हार की दूसरी बड़ी वजह रही विधायकों की घोर अलोकप्रियता और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्ज़ाम, गुंडागर्दी के गंभीर इल्ज़ाम। स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अशोक गहलोत का खेमा इन विधायकों के टिकट काटने में नाकाम रहा। वोटरों ने साफ तौर पर कहा कि हमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से उतनी समस्या नहीं है, उनकी कई योजनाएं हम तक पहुंची भी हैं, पर विधायकों से बहुत ज़्यादा समस्या है और वोटरों ने वोट विधायकों के नाम पर ज़्यादा डाला। अब उन पत्रकारों का रुख करते हैं जो हमें इन फैक्टर्स को और विस्तार से समझा रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू से यही कहता आया हूँ कि ये चुनाव बीजेपी के बारे में था ही नहीं, ये अशोक गहलोत के बारे में ही था। पूरा चुनाव अशोक गहलोत केंद्रित रहा, अशोक गहलोत के कारण ही ये सीटें आई हैं जितनी आई हैं। क्यों? क्योंकि आखिर के दिनों में उनका जो प्रीवी था या जो योजनाएं थी, गारंटी थी, वो ऐसी थी कि कनेक्ट किया होगा घरों में जरूर। जैसे मैं कहता हूँ कि गृहिणी के रसोई में अगर फूड पैकेट पहुंच गया जिस पर अशोक गहलोत का एक फोटो लगा है तो उसका उसे असर ना पड़े ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये 70 पे अटक गए हैं, अगर 70-80 के आसपास अटक गए तो वो भी अशोक गहलोत के ही कारण है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियों में अहम ज्यादा बड़े हो गए और पार्टियां छोटी हो गई। जैसे अशोक गहलोत अगर चाहते तो 6 महीने पहले सचिन पायलट को, या पार्टी चाहती तो 6 महीने पहले सचिन पायलट को बहुत तरीके से, जिससे जनता को लगे कि वाकई आपसे जुड़ गए हैं आप और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं, तो तस्वीर अलग होती। पूर्वी राजस्थान के अभी आंकड़े आ रहे हैं, वहां पे हार रहे हैं काफी सारे कांग्रेस विधायक। दूसरा, एक अहम कह लीजिए या ये इनसिक्योरिटी कह लीजिए कि नए चेहरों को मौका ना देना। मैंने अपना पहला संपादकीय लिखा था उस समय जब टिकटों का वितरण हुआ था, तो मैंने हेडिंग ये दिया था कि कांग्रेस को तय करना है कि सत्ता रिपीट करनी है या चेहरे। उन्होंने चेहरे रिपीट करना तय किया। अब जब आप ऐसे चेहरों को रिपीट करेंगे जिनके खिलाफ अलग अलग तरह के कई भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, अगर उनको रिपीट करेंगे तो आप क्या चाहते हैं? मतलब जनता क्या चाहे कि आंखें बंद कर ले कि क्रिमिनल है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ और मैं उसको चुन लूँ? ऐसा हो नहीं सकता। तो आप पूरा कुनबा वैसा का वैसा ले आए। उसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है कि जैसे मैं नए चेहरे लाता हूँ तो ये लोग तो सारे लाभान्वित हैं पार्टी से मुझसे, लेकिन जैसे ही ये नए चेहरे लाऊंगा तो क्या गारंटी है कल को सचिन सामने सरकार बनाने के लिए आगे अड़ गए और ये लोग वहां नहीं जाएंगे? ये एक चक्कर था। तो ये चुनाव अशोक गहलोत केंद्रित था। बीजेपी की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा आसरा था नरेंद्र मोदी के नाम और काम का, और उसका नतीजा भी मिला। इससे तर जब बीजेपी को शुरुआती दौर में ये फीडबैक मिला कि वसुंधरा राजे को किनारे करने के अपेक्षित परिणाम नहीं होंगे, तो लोगों ने कहा कि तीसरी और चौथी सूची से वसुंधरा के वफादारों के नाम आने शुरू हो गए। टिकट वितरण में होर्डिंग पर भी केंद्रीय नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ, जो एक यूजुअल फॉर्मेट था कि विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनके साथ साथ वसुंधरा का चेहरा भी लौट आया। प्रचार की भी बात करें तो तमाम दिग्गज नेताओं से तर वसुंधरा राजे 50 से ज़्यादा सीटों पर अपने साथियों के प्रचार में नजर आईं। यानी एक तरफ तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जो बार बार अपनी सरकारी योजनाओं का, अपने काम का जिक्र कर रहे थे, और दूसरी तरफ तमाम मतभेदों के बावजूद यूनाइटेड कलर्स ऑफ बीजेपी इन राजस्थान ये नज़र आए। सबको पता था जीतेंगे तभी सत्ता में दावेदारी बचेगी। बीजेपी के गेम प्लान पर और बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। देखिए, भाजपा ने 5 साल में कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से अशोक गहलोत की नीतियों का या उनके कामों का जिस तरह से विरोध करना चाहिए था या जो जनता के पास लेके जाने चाहिए थे इश्यूज, वो नहीं लेके गए हैं। ये उनको खुद को ही पता है। क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि एक चेहरा नहीं है, एक कोई लीडरशिप नहीं है, बटे हुए खेमे हैं, तो कैसे जाएंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ कि सचिन पायलट जब अजमेर से जयपुर तक एक रैली निकालते हैं और उसमें लाखों युवा शामिल होते हैं पेपर लीक के विरोध में, तो सोचिए अगर बीजेपी शुरू से इस इशू को तरीके से उठाती तो क्या वो आज 110 पे अटकती? अशोक गहलोत कहते थे कि एक बार मेरे को कर्मचारियों ने हराया था, उनमें गुस्सा था, उस गुस्से से कहीं ज्यादा इस बार का गुस्सा युवाओं में था, लेकिन उसको चैनल है इसको ऑन करे। तो बीजेपी ने इन इश्यूज को उस तरह से नहीं उठाया। वो महिला अत्याचार पर बोल दिया, वो उन्होंने किया,
लेकिन जिस तरह से उनको उठाना चाहिए था इश्यूज वो नहीं उठाए। तो पहली बात ये कि 5 साल में वो काम नहीं हुआ है जिसके साथ मैं कह सकूं कि ये मेरे काम की वजह से मैं आया हूं। और दूसरी बात, फिर जब चुनाव नजदीक आए तो मोदी जी ने अपने हाथ में कमान ली, उन्होंने दुनिया भर की सभाएं की, कई रोड शो किए, हालांकि जयपुर के परकोटे में रोड शो किए, वहां क्या स्थिति बनती है, कुछ सीटें हार रही है वहां पे बीजेपी, तो लेकिन उन्होंने रोड शो किए, योगी ने रोड शो किए, राजस्थान में तालिबान आया भाषा में, तालिबान राजस्थान में आ गया है, भारत पाकिस्तान जब मैच चल रहा है, ये कोई चुनाव नहीं चल रहा है वगैरह। तो ध्रुवीकरण की सारी कोशिश है, और वो सनातन को लेकर जो पूरा एक अंडरकरंट चला वो एक बड़ा कारगर काम रहा। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है। इस जनादेश को समझना है तो शिवराज सिंह चौहान का ये पुराना वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले टैली जान लेते हैं। बीजेपी 165 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस 64, भारतीय आदिवासी पार्टी 1। वोट प्रतिशत की भाषा में बात करें तो भाजपा को 48.76%, कांग्रेस को 40.39%, बसपा को 3.28% वोट मिलता नजर आ रहा है, बाकी में अन्य। अब आपको बताते हैं वो नाम जिनके चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे। पहला नाम है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का, जो मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट से हार गए चैन सिंह वरकाड़े से। दूसरा नाम शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का, जो दतिया से राजेंद्र भारती के कांग्रेस के खिलाफ पिछड़ते नजर आए। तीसरा नाम हरदा से कमल पटेल का, ये केंद्रीय या राज्य के वो मंत्री हैं जिनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कमलनाथ के कैबिनेट में मंत्री रहे कई कांग्रेस के नेता भी इस चुनाव में खेत रहे, जैसे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो इंदौर जिले की राउ सीट से बीजेपी के मधु वर्मा से बड़े अंतर से 30-32 हज़ार के अंतर से चुनाव हारते नजर आए। सज्जन वर्मा देवास जिले की सोनकच्छ सीट से चुनाव हारे डॉक्टर राजेश सोनकर से भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा और कौन से दिग्गज हैं जो जीते, तो ऑब्वियस नेम्स, सबसे पहले बुधनी से चुनाव जीते शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 1 लाख के बड़े अंतर से। छिंदवाड़ा से जीते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विवेक बंटी साहू के खिलाफ। राघोगढ़ की सीट से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन जीते, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, रिद्धि पाठक, ये सब लोग अपना अपना चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ये सब बड़े नाम हैं, चर्चित नाम हैं, ज़्यादातर बीजेपी के नाम हैं। परिणामों के बाद अब प्रतिक्रियाओं का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहां सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे, और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी को, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे। अब बात कारणों की, कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के कारण। हमने कुछ देर पहले आपको शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो दिखाया था, अब उस वीडियो का संदर्भ समझते हैं। ये वीडियो टीकमगढ़ जिले का है। प्रकरण क्या था, लाडली बहना योजना की लाभार्थियों से संवाद का प्रकरण, और लाडली बहनाएं मुख्यमंत्री से, जिनको प्रदेश में उनके समर्थक प्यार से मामा कहते हैं, खासतौर पर लड़कियां, इस तरह से लिपटी अपनी कृतज्ञता जताते हुए कि शिवराज को और उनके सुरक्षा कर्मियों को स्टेज पर पहुंचना मुश्किल हो गया। ये 4 नवंबर का प्रकरण है, और तभी कई पत्रकारों ने टिप्पणी की थी कि यदि मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की या रूरल इलाकों के वोटरों का ये सेंटीमेंट है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के रथ को कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब जो लाडली बहनाएं शिवराज की सत्ता में वापसी या बीजेपी की सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी वाहक बन रही हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 5 मार्च 2023 को अपने जन्मदिन के दिन शिवराज चौहान ने इस स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य की 23 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वायदा किया गया था। यह भी ऐलान किया गया था कि इस बार के बजट में
8,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित कर दिए जाएंगे। पर गागेगी से आगे क्या हुआ, लाभ उन सभी महिलाओं को मिला जो मध्य प्रदेश की निवासी हैं और उनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है और परिवार की आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी गरीब और अति गरीब। योजना का लाभ पाने के लिए महिला का विवाहित होना भी अनिवार्य था, उनका अपना परिवार होना। 10 जून को शाम 6 बजे जबलपुर शहर में आयोजित किए गए एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंप्यूटर के माउस पर क्लिक किया और इसके बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,000 की रकम पहुंचनी शुरू हो गई। ये सिलसिला हर महीने रहा, पर 3 महीने के अंदर ही एक और ऐलान आ गया शिवराज का कि अब लाडली बहनाओं को 1,000 नहीं 1,250 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज की ये योजना तेज़ी से पॉपुलर हो गई। बीजेपी के बड़े नेता लगातार इसकी चर्चा करने लगे। कोई भी प्रचार के लिए आता लाडली बहना का ज़रूर जिक्र करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी लगातार इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। शिवराज ने तो ये तक कह दिया कि अगर राज्य में उनकी सरकार फिर से बनती है तो लाडली बहनाओं को 1,250 की रकम से बढ़ाकर 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ये योजना कांग्रेस के लिए चुनौती थी। उन्होंने भी एक काउंटर स्कीम लाई, कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो नारी सम्मान योजना लाएंगे और इसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे। उनके पास 1,500 रुपये का वायदा था कांग्रेस की तरफ से और 1,250 रुपये खाते में थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। महिलाओं ने किस पर भरोसा जताया, ये टैली में नज़र आ रहा है। सफलता के और भी कारण थे। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी ने कैंपेन करना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता फील्ड पर उतारे गए, एग्रेसिव प्रचार किया गया। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी उतारा गया, फिर चाहे वो नरेंद्र तोमर हो चाहे प्रहलाद पटेल। यहाँ से भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव दो सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को भी वहाँ पर तैनात किया गया और उनके हाथ में बागडोर दी गई संगठन को और प्रचार को चाक चौबंद करने की, नाराजगियों को दूर करने की। व्यापम जैसा पिछले 2018 के चुनाव का फैक्टर रहा हो वैसा कोई कैंपेन बिल्ड नहीं होने दिया गया। पटवारी भर्ती को लेकर घोटाला को लेकर इल्ज़ाम थे लेकिन कांग्रेस पटवारी भर्ती के जो पीड़ित थे उनको कोई स्पष्ट आश्वासन देने में असफल रही। 2018 में SC/ST एक्ट के रिवीजन को लेकर एक बड़ा माहौल बना था दलित समाज के बीच और फिर माइकल लाल के स्टेटमेंट के बाद सवर्ण समाज के बीच। इस तरह की कोई भी समाजगत नाराजगी शिवराज सरकार को इस बार नहीं झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा RSS को ये दिख गया था कि ये जो एक पार्टी स्टेट बन सकता है जैसे गुजरात जहां वो लगातार सत्ता में कायम है, जरा सी चूक पर हम आ भी सकते हैं जैसे 2018 में। इसलिए संघ के संगठन के और सरकार के स्तर पर आखिरी के 6 महीने में खूब काम हुआ और VD शर्मा बनाम शिवराज सिंह चौहान जैसी तमाम बहसें नेपथ्य में चली गई। एक तरफ बीजेपी शिवराज सिंह चौहान ही इकलौते विकल्प नहीं ये मैंडेट भी दे रही थी, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा रैलियां भी शिवराज कर रहे थे। और क्या वजह रही जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीत की वजह लाडली बहना योजना एक फैक्टर रहा, लेकिन केवल लाडली बहना योजना ही फैक्टर रहा ऐसा भी नहीं, क्योंकि 18 साल से कोई मुख्यमंत्री काम कर रहा हो और केवल एक योजना के दम पर वापस सरकार को ले आए ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए साथ में और भी काम होते हैं। तो यदि हम देखा जाए तो जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे तो किसान सम्मान निधि में किसानों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 देती है मध्य प्रदेश 4,000 रुपए और देती है। इसके अलावा सोशल सेक्टर में जो काम किए गए हैं उसका एक बड़ा रोल जो है वो मध्य प्रदेश की जीत में रहा। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो रही वो ये रही कि एक आम आदमी को अपने जैसा मुख्यमंत्री लगना, एक बड़ा एक बात होती है कि जब राजनीति में प्रवेश करते से ही लोगों में अहंकार आ जाता है तो महिलाओं के बीच में महिलाओं के साथ भाई भैया या मामा की भूमिका या किसानों के साथ या किसी की फसल पे ओला पाला गिर जाए तब देखने जाना, इन सारी जिसे कहें कि इन अपनी छवियों का शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा फायदा हुआ कि जहां कांग्रेस के जो नेता थे कमलनाथ उनकी एक अलग एग्जीक्यूटिव टाइप की छवि थी लेकिन जनता को अपने बीच का मुख्यमंत्री जो है वो चाहिए था और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान पर लोगों ने भरोसा किया। उधर कांग्रेस के खेमे में कमलनाथ का चेहरा था लेकिन छिंदवाड़ा से बाहर वो चेहरा वोटरों को उत्साहित नहीं कर पा रहा था। दिग्विजय सिंह अपने खेमे को बचाने में ज़्यादा मशगूल थे, पिछली बार नर्मदा यात्रा की थी, इस बार ऐसी किसी यात्रा के बजाय अपने लोगों को टिकट दिलाने में ज़्यादा व्यस्त रहे। आयातित चेहरों के हवाले रणनीतियाँ बनाने का काम, डेटा टेबुलेशन का काम दे दिया गया था और लग रहा था कांग्रेस को कि वो स्ट्रांग एंटी इनकमेंसी वेव के बहाने चुनावी वैतरणी को पार कर लेंगे, पर साफ नज़र आया कि कांग्रेस की तैयारियां बहुत अधूरी थी।
नेता के स्तर पर भी, नैरेटिव के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। नतीजा सबके सामने है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का। टैली पर आएंगे, नतीजों पर आएंगे, पर उससे पहले आप देखिए ये वीडियो। वीडियो में धान की पॉलिटिक्स, धान के दाम और धान के बोनस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों के बयान का हिस्सा सुनिए, जिन्होंने हमारे साथ जमघट नाम की इंटरव्यू सीरीज में कहा था। सेंट्रल नैरेटिव क्या है? इस इंटरव्यू के पहले मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी मार्के की पंक्ति कही। बोले छत्तीसगढ़ में सरकार धान के खेत में उगती है और ध्यान नहीं दिया तो उसी में डूब भी जाती है। आपके 2018 के कार्यकाल में जो एक बड़ी चीज़ इंगित की गई वो ये कि आप बार बार केंद्र के पास जाते रहे ये कहने के लिए कि मैंने बोनस प्रॉमिस किया था बतौर मुख्यमंत्री, आपको वो बोनस नहीं बांटने दिया गया। पार्टी के 2018 के संकल्प पत्र में भी उस बिंदु को नहीं रखा गया, जिसकी वजह से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस का जो नैरेटिव था कि धान के किसानों के साथ हम न्याय करेंगे, हम बोनस देंगे, आप उसको काउंटर नहीं कर पाए। बीजेपी बुरी तरह हारी। मैं आज आपसे 24 अक्टूबर विजयदशमी के दिन ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 अक्टूबर को फिर से भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया हम कर्ज माफ़ी करेंगे। धान के किसान, धान की खरीद की राजनीति, केंद्र का आर्थिक अनुशासन, लेकिन प्रदेश की राजनीतिक वास्तविकताएं कुछ और। ये जितनी बातें हुई हैं 2018 के चुनाव में हमने क्या किया क्या नहीं किया और उसका रिजल्ट क्या आया है, वो सब चीज़ का एनालिसिस भी संगठन ने और पार्टी ने किया है। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे घोषणा पत्र हम लाएंगे वो किसानों के लिए और अन्य वर्गों के लिए बेहतर घोषणा पत्र होगा। आप इंतज़ार करिए, घोषणा पत्र में हमारे घोषणा पत्र आने के बाद किसान भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगा 100%। अब जानते हैं नतीजे। 90 सीटों पर चुनाव हुए, भाजपा 55 से ज़्यादा सीटों पर जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस 35 सीटों पर। अगर वोट परसेंटेज की भाषा में बात करें तो भाजपा को 46.37% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 42.11%, अन्य के खाते में 12%। अब बारी उन नेताओं की जिनके चुनाव परिणाम ने कई लोगों को चौंका दिया, यानी कि उनकी हार कईयों के लिए अप्रत्याशित थी। सबसे पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो अंबिकापुर से बीजेपी के राजेश अग्रवाल से 157 वोटों से चुनाव हार गए। विजय बघेल सांसद ने भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को चुनौती तो खूब दी, अमित अजीत जोगी ने भी, लेकिन वो भूपेश बघेल के खिलाफ उलटफेर नहीं कर पाए। पर ऐसी ही किस्मत ताम्रध्वज साहू की, जो दुर्ग से चुनाव लड़ रहे थे, या मोहम्मद अकबर की, जो कवर्धा से चुनाव लड़ रहे थे, या मोहन मरकाम की नहीं थी। ये सारे बड़े नेता, बड़े मंत्री चुनाव हार गए। जीतने वालों में भूपेश बघेल की तरह कौन? राजनांदगांव से रमन सिंह, इसके अलावा रायगढ़ से बड़े मार्जिन से, सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीता पूर्व IAS और बीजेपी के युवा नेता और बीजेपी का छत्तीसगढ़ में भविष्य बताए जा रहे OP चौधरी ने। ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत जैसे पुराने नेता भी अपनी सीटें बचाने में सफल रहे हैं। अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक भी। अब आते हैं उन वजहों पर जिनने बीजेपी को ये कईयों की नज़र में अप्रत्याशित और चुनावी पंडितों के भविष्यवाणियों से बढ़कर जीत दिलाई। बीजेपी ने एक स्कीम लॉन्च की सत्ता में आने से पहले ही, नाम रखा महतारी वंदन योजना। इसके तहत भाजपा ने विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये बांटने का वादा किया, पर सिर्फ वादा नहीं किया, कहा कि चुनाव जीत गए तो वो स्कीम लागू करेंगे। और इसको लोगों को भरोसा कैसे दिलवाया, इसके लिए भाजपा ने एक और कदम उठाया। उन्होंने जो संभावित लाभार्थी हो सकते हैं उनसे फॉर्म भरवाया, पर खाना पूर्ति फॉर्म नहीं भरवाया। हमने कई प्रत्याशियों से बात की तो सब ने, किसी ने बताया कि हमने 50,000 फॉर्म भरवाए, किसी ने बताया कि 70,000, किसी ने 72,000। यानी इतनी महिलाओं को वो ये वादा दिलवाने में सफल रहे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। जानकार बताते हैं कि महिलाओं ने वोट से इसका जवाब भी दिया। इसके अलावा बीजेपी ने एक और वायदा किया, भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये का बोनस देने का। बीजेपी के नेतृत्व ने धान के बोनस को लेकर आर्थिक अनुशासन के नाम पर जो जिच थी उसको भी अंततः दूर किया, जब अमित शाह ने रायपुर में जाकर यह ऐलान किया कि हम न सिर्फ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे बल्कि कांग्रेस के वायदे से बढ़कर दाम भी देंगे, साथ में 2 साल का बोनस भी। ये हुई दूसरी बात। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, नान घोटाला और ED की कार्रवाइयाँ, महादेव ऐप, इन सब को लेकर भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार के इल्ज़ामों पर घेरने में सफल रहे। CGST समेत कई भर्तियों को लेकर भी सरकार पर गंभीर इल्ज़ाम लगे। सत्ता परिवर्तन के लिए उनको लग रहा था नई पीढ़ी को लाना, और इसके लिए OP चौधरी जैसे कई युवा नेताओं के जरिए
नई पीढ़ी और फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी अपने पाले में खींचने में सफल रहे और ओल्ड गार्ड का भी ख्याल रखा। यहाँ से भेजा गया ओम माथुर और मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको रायपुर में कैंप करने के लिए, सभी मतभेद दूर करने के लिए। रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे पुराने नेताओं को भी अंततः एक्टिव किया गया। कांग्रेस के पास अपनी रणनीतियां थीं तो अपनी दिक्कतें भी थीं। बस्तर संभाग में धन परिवर्तन जैसी समस्याओं को वो काउंटर नहीं कर पाई, जिसका लाभ केदार कश्यप जैसे भाजपा नेताओं को हुआ, जिन्होंने नारायणपुर जैसी आदिवासी बहुल सीट पर ये नैरेटिव बनाकर सफलता हासिल की, कांग्रेस आदिवासियों को ईसाई बना रही है। इसके अलावा कांग्रेस धान को लेकर भी अपनी स्थिति का भरपूर प्रचार नहीं कर पाई। रमन सिंह की 2013 से 2018 वाली सरकार इसलिए ही अपदस्त हो गई थी 18 में, क्योंकि सरकार धान खरीद का दाम बढ़ाने में या बोनस देने में असफल रही थी और भूपेश बघेल ने यही फायदा किया था जो गेम चेंजर साबित हुआ था। लेकिन धान के मुद्दे पर जो जब दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई तो किसान को समझ में आ गया कि 2023 में कोई भी सत्ता में आए उनको अपनी फसल का चोखा दाम मिलेगा, तो उन्होंने इससे इतर फैक्टर्स देखने शुरू किए। और ये फैक्टर्स क्या थे, जानते हैं एक्सपर्ट से। के पहले जो लोगों से बातचीत करने के बाद जो नतीजा सामने आया, जो लोग कट्टर हिंदूवादी हैं उन्हें पता है कि भूपेश बघेल के जो राम है वो पॉलिटिक्स वाले राम है। जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उन्हें पता है कि राम के लिए तो आज भी भाजपा ही सबसे मतलब जायज पार्टी है। कांग्रेस की राम है क्योंकि भूपेश बघेल के जो पिताजी हैं नंद कुमार बघेल, वो रह रहकर भगवान राम को गाली देते हैं, रावण की पूजा करने की बात करते हैं, बात बात पे राम के ऊपर आरोप लगाते हैं। और अगर केंद्र में भी देखा जाए तो उस तरह से हिंदुत्व वाला बात कांग्रेस में नजर नहीं आती, हिंदुत्व पार्टी कांग्रेस पार्टी में। तो धर्म के मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फेल थी, किसान के मामले में बीजेपी फेल थी, क्योंकि बीजेपी ने 2018 के पहले जैसे दो साल कहा था कि हम बोनस देंगे, लेकिन उन्होंने बोनस दिया नहीं था। तो किसानों को भरोसा नहीं था बहुत ज्यादा बीजेपी पे कि क्या बीजेपी जो किसानों को लेके वादा कर रही है पूरा करेगी या नहीं करेगी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी को मात मिली थी 2018 में, तो किसानों को ये भी लगने लगा कि जिस तरह से किसानों ने एक बड़ी शिकस्त दी है बीजेपी को 2018 के चुनाव में, बड़ी संख्या में मैंडेट मिला कांग्रेस को, तो उससे एक सबक मिला है बीजेपी को, और इस बार अगर वो वादा कर रही है तो इससे मुकरेगी नहीं। और उसने कहा कि इकतीस सौ रुपए जिस तरह से एक मुश्त देने की बात कही, तो इसका भी खासा असर देखने को मिला। मैंने कुछ किसानों से बातचीत की, उन किसानों का कहना है कि भैया हम सुबह मंडी जब जाते हैं अपनी सब्जियां लेकर या कोई भी उत्पाद लेकर, हमें पता है कि जो बीज का दलाल है वो कम रेट दे रहा है, लेकिन वो एक साथ पैसे दे देता है तो हम उसे देकर वापस लौट आते हैं। बीजेपी 3100 ही दे लेकिन एक मुश्त दे रही है, तो इसका हमें फायदा है, न कि 3200 रुपए हमें कई मतलब अलग अलग चरणों में मिलेंगे बोनस के तहत, इसका भी फायदा है। तो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कांग्रेस ने की जरूर, लेकिन हिंदुत्व के उसमें कोई आया नहीं। जैसे किसान गौमूत्र की बात कर ले या गोबर की बात कर ले, आप जमीनी आंकड़े जब खंगालेंगे जहां भी खंगालेंगे, मुझे लगता है अधिकारियों ने सरकार को बेवकूफ ही बनाया है। फाइलों में बता दिया है कि गोबर पे बमफाड़ खरीदी हुई है, लोगों को आवक हुई है। आप जब किसी भी एक गोबर खरीदी की ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो आपके जमीन के तहत मतलब आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि हकीकत यह है गोबर खरीदी की। जी, ये वो तीन राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीती। अब बारी तेलंगाना की जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर के निहितार्थ पर आएंगे। ये उन नेताओं की फोटो है जिन्होंने कांग्रेस को सूबा दिलाया, जिसे बनाने का श्रेय उनकी सरकार को जाता है, यूपीए 2 को जाता है। फोटो के निहितार्थ से पहले नतीजा जानते हैं। कांग्रेस को मिल रही है 64 सीटें, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को मिल रही है 39, बीजेपी को 8, एआईएमआईएम को 7, सीपीआई को 1। अब बात करते हैं वोट शेयर की। कांग्रेस 39.45%, बीआरएस 37.88%, भाजपा 13.92%, एआईएमआईएम 2% के लगभग, और बाकी पार्टियां। इस सेगमेंट के लिए अब हम आपको एक्सपर्ट्स की बात ज़्यादा सुनाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर चुनावी रिपोर्टिंग के लिए नहीं जान पाए थे। पर उससे पहले बड़े नेताओं का हाल। सबसे पहले बात सीएम केसीआर की। वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, गजवेल और कामारेड्डी। गजवेल से चुनाव जीत गए, लेकिन कामारेड्डी से बीजेपी के कतिपल्ली वेंकटरमन रेड्डी जॉइंट किलर बनकर सामने आए। केसीआर की बेटी केटी रामाराम भी सिरसिल्ला सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी भी कामारेड्डी से चुनाव में खड़े हुए थे। जाहिर की बात है केसीआर भी हारे, रेवंत रेड्डी भी हारे, लेकिन रेवंत रेड्डी दूसरी सीट कोडंगल से चुनाव आसानी से जीतने में सफल रहे। बीजेपी के चर्चित विधायक टी राजा सिंह भी गोशा महल से चुनाव जीत गए। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी भी चंद्रयान गुट्टा से चुनाव जीतने में सफल रहे।
नतीजों के बाद बात कारणों की। सबसे पहले सीएम केसीआर के प्रति एंटी इनकम्बेंसी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय से केसीआर की सरकार के खिलाफ ये भावना वोटर में घर कर गई थी। वहीं लंबे समय तक केसीआर इन आरोपों का सामना भी करते रहे कि वो फार्म हाउस सीएम है, जनता से तो क्या विधायकों से भी नहीं मिलते, मंत्रियों से भी नहीं, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस ने इन सारे फैक्टर्स को भुनाया, नतीजा सामने है। बाकी जानकारी दे रहे हैं एक्सपर्ट। अगर बीआरएस की हार के बारे में बात करें तो मैं दो मुख्य कारण बताऊंगा। पहला ये केसीआर की गलती कि उन्होंने 90% ऑफ इस एमएलएज को फिर से रीनॉमिनेट किया। अप्रैल के महीने में एक प्लीनरी में उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कई सारे विधायक दलित बंधु स्कीम में लोगों से 30% रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। उन सभी विधायकों को फिर से रीनॉमिनेट किया गया। दूसरी बात यह कि विधायक एक तरह से ऑल पावरफुल बन गए थे, अपने चुनाव क्षेत्र में सभी कुछ कर सकते थे, तो जो जनता के मन में उनके खिलाफ एक तरह का गुस्सा ये था कि ये एक तो करप्ट हैं, काफ़ी पैसा बनाया है पिछले 9.5 सालों में, इसके साथ साथ एरोगेंट भी हैं, गवंडी भी हैं और इनएक्सेसिबल भी हैं, कि उनको मिलना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। एंड तीसरी बड़ी बात, केसीआर खुद एक फार्म हाउस मुख्यमंत्री बन गए थे, जिनको कि मिलना जनता की तो छोड़िए, इवन टू फॉर द एमएलएस विधायकों या मंत्रियों का उनसे मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से बीआरएस का एक इमेज बन गया था दैट दिस इज नॉट द सेम पार्टी विच गॉट अस तेलंगाना। अब रुक करते हैं उस फोटो का जिसको शुरुआत में हमने दिखाया और इसके निहितार्थ बता रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथ ही सिद्धांत मोहन। देखिए रेवंत रेड्डी जो हैं अचानक से कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हो गए, इतने ज़रूरी कि कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने पुराने बूढ़े तमाम लोगों को साइड में करके रेवंत रेड्डी को ये जगह और इतना लाइमलाइट दिया। वो पहले एबीवीपी से जुड़े, उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस से जुड़े, उसके बाद निर्दलीय 2006 में जिला परिषद का चुनाव जीत कर लड़के आए, फिर 2008 में विधान परिषद भेजे गए निर्दलीय, फिर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी में गए उसके बाद, और 2009 में कोडांगल विधानसभा जीत के आए टीडीपी के टिकट पे, फिर 2014 में कोडांगल में फिर से जीत के आए, और 2014 से 2017 तक टीडीपी के प्रेसिडेंट रहे। फिर 2017 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और 2018 में कोडांगल जिसे वो जीत के आते रहे थे वही कोडांगल वो हार गए, और 2019 में उन्होंने मलकजगिरी से लोकसभा का पर्चा भरा कांग्रेस के टिकट पे और जीत गए, और ये 2023 वाली जो जीत है वो आपका आपके सामने है। और रेवंत रेड्डी की कहानी ये भी है कि उनको कैश वाले के स्कैम में पकड़ा गया था, उन पर केस हुआ था जिसमें कथित तौर पे वो कैश हैंडओवर करने के एक रैकेट का हिस्सा थे, किसी और एक नेता को वो कैश हैंडओवर कर रहे थे। लेकिन रेवंत रेड्डी इस समय तेलंगाना में कांग्रेस के लिए वो चेहरा है जो पालनहार की तरह सामने आए हैं। सीटों को मैनेज करना, एग्रेसिव कैंपेनिंग करना, तमाम चीज़ों को लेकर जो उन्होंने कैंपेनिंग की और साथ में लगे रहे, इसका परिणाम कांग्रेस को इस चुनाव में मिला है। काउंटिंग डे की सरगर्मी कल भी बनी रहेगी क्योंकि कल आएंगे 4 दिसंबर को मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे। बाकी जो जीत रहे हैं उनके बीच सरगर्मी है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी भी नाम के साथ ना तो उन 3 राज्यों में भाजपा गई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और ना ही तेलंगाना में कांग्रेस। तो कयास लग रहे हैं रमन सिंह या कोई नया चेहरा। नया चेहरा तो कौन, इष्टदेव साय या अरुण साव या ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ में या रेणुका सिंह। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को इस बड़ी जीत का इनाम मिलेगा लोकसभा चुनाव तक, अभी या अभी नहीं। प्रहलाद पटेल समेत और कौन से नाम है जिनकी दावेदारी पुख्ता हो सकती है। यही बात राजस्थान में भी की वसुंधरा या दिया कुमारी या फिर कोई नया चेहरा, हम सबकी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। कांग्रेस के खेमे में भी ये लगभग तय माना जा रहा है कि रेवंत रेड्डी का नाम आगे आएगा, लेकिन ऐलान में अभी वक्त है। लेकिन शो को समाप्त करने का ये वक्त है। इतवार का पूरा दिन दफ्तर में आपको चुनाव परिणाम बताते हुए बीता है। अब रुक करते हैं घर का। आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।